गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैंने 11 क्लास के स्टूडेंट के लिए बनाया है, वो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए। इसमें क्या है कि जो सिलेबस इस बार झारखंड सरकार के द्वारा जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, जो सिलेबस कम कर दिया गया है, उसी सिलेबस को मैंने यहाँ बताया है। कुछ विद्यार्थी कन्फ्यूज थे कि मतलब सर सिलेबस हिंदी में कैसे पता करें क्या है, क्योंकि सिलेबस इंग्लिश में आया हुआ है, तो उसमें मैं उसी इंग्लिश वाले सिलेबस, इंग्लिश में जो दिया है वह सिलेबस है, उसी सिलेबस को मैं मतलब हिंदी में पूरे डिटेल से बता रहा हूँ कि क्या क्या सिलेबस में हटाया गया है। तो पहला चैप्टर है, पहला यूनिट जो है, इस यूनिट में है भौतिक जगत। तो भौतिक जगत में फिजिकल वर्ल्ड जो है पूरी तरह से हटा दिया गया इस यूनिट को, इसमें से एक भी टॉपिक को नहीं रखा गया है, पूरा का पूरा हटा दिया गया है। दूसरा यूनिट है मात्रक एवं मापन। इस यूनिट में क्या है कि लंबाई, इसमें एक टॉपिक मिनिमम दो टॉपिक है, इन दोनों टॉपिक को हटा दिया गया है। लगभग तीन टॉपिक है। पहला टॉपिक क्या है, लंबाई, द्रव्यमान और समय का मापन, ये पहला टॉपिक हो गया, इसको हटाया गया है। दूसरा है यंत्रों के मापन में शुद्धता एवं यथार्थता, और तीसरा है सार्थक अंक। ठीक है, तीसरा है सार्थक अंक। उसके बाद देखिए यूनिट तीन, यूनिट तीन के नंबर आता है, इसमें भी पूरे यूनिट को नहीं हटाया गया, इसमें क्या किया गया है कि पूरा का पूरा यूनिट को रखा गया है, और यूनिट फोर में भी यूनिट फोर को पूरा का पूरा रखा गया है, इसमें से किसी भी टॉपिक को नहीं हटाया, इन दोनों से यूनिट थ्री का और यूनिट फोर का एक भी टॉपिक नहीं हटा है, पूरा का पूरा टॉपिक आपको पढ़ना है, तैयारी करना है इसका। यूनिट फाइव जो है गति का नियम, यूनिट फाइव में मात्र एक टॉपिक है जिसमें कि एक समान वृत्ताकार गति होता है, इससे रिलेटेड एक समान वृत्ताकार गति जो होता है इससे रिलेटेड दो टॉपिक हैं। एक है किसी समतल वृत्ताकार सड़क पर कार की गति, और दूसरा है किसी ढलावदार सड़क पर कार की गति, इन दोनों टॉपिकों को हटा दिया गया है। फिर इसके बाद आता है यूनिट सिक्स, यूनिट सिक्स में है कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, वर्क एनर्जी एंड पावर। इसमें क्या है कि इसमें से हटाया गया है असंरक्षी बल, पहला टॉपिक हटाया गया है असंरक्षी बल। दूसरा है एकविमीय द्विविमीय गति में प्रत्यास्थ तथा अप्रत्यास्थ टक्कर, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इसको बोलते हैं। और ये क्या है कि प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ, मैंने इलास्टिक और नॉन इलास्टिक, इन दोनों जो कॉलिजन होते हैं वो भी किस में, वन बीमी, वन डायमेंशन और टू डायमेंशन में, इसको हटा दिया गया है। यूनिट सेवन में, यूनिट सेवन में कह रहा है कि कणों के निकाय तथा घूर्णन, निकाय तथा घूर्णन गति, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। इस यूनिट में हटाया गया है द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास, और वृत्ताकार वलय, वृत्ताकार वलय, चकती, छड़ और गोला का द्रव्यमान केंद्र, मैंने इन सभी टॉपिकों को हटा दिया गया है। यूनिट एट आता है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, इसमें उपग्रह का कक्षीय वेग यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ये हटा दिया गया है। भू स्थिर उपग्रह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है इसका, ये दोनों को हटा दिया गया है। यूनिट नाइन में है ठोसों के यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, इसमें से कुछ टॉपिक हटाया गया है, इसमें हटाया गया है हुक का नियम, यंग का गुणांक, दृढ़ता गुणांक और अपरूपन, ये सारे टॉपिक को हटा दिया गया है। यहाँ पर यंग का गुणांक, गुणांक को मॉड्यूलस बोला जाता है, अपरूपन हो गया शेयर, SHEAR, है ना। यूनिट टेन में है तरलों के यांत्रिक गुण, तरलों के यांत्रिक गुण में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लड्स, इसमें से हटाया गया है द्रव स्तंभ के कारण, पास्कल का नियम और इसका उपयोग। द्रव स्तंभ के कारण क्या होता है, फ्लड कॉलम जो होता है उससे पास्कल का नियम जो होता है उसके वजह से दाब, यहाँ पर दाब टॉपिक छुटा हुआ है, द्रव स्तंभ के कारण दाब, और उसके बाद हटाया गया है पास्कल का नियम और इसका उपयोग। इसके उपयोग में क्या क्या चीज़ को हटाया गया है वो हम बता देते हैं। इसके उपयोग में है हाइड्रोलिक लिफ्ट, पास्कल के नियम के उपयोग, इस टॉपिक को हटाया गया है, पास्कल के नियम का उपयोग। इसमें से हटाया गया है पहला टॉपिक है हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट को हटाया गया है, पहला टॉपिक है, और इसका दूसरा टॉपिक है हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक, और तीसरा टॉपिक है इसका द्रवों के दाब पर गुरुत्व का प्रभाव।
गुरुत्व का प्रभाव। ठीक है, इसके बाद नंबर आ जाता है तीसरा चैप्टर का। तीसरा चैप्टर हो गया कौन सा, यूनिट हो गया ना, यूनिट हम लोग कौन सा ले रहे थे, यूनिट टेन के बाद आता है यूनिट एलेवन का। तो यूनिट एलेवन कौन सा है, यूनिट एलेवन में है द्रव्य के तापीय गुण, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इस चैप्टर से, इस यूनिट से क्या हटाया गया है, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इससे हटाया गया है ऊष्मा स्थानांतरण को हटा दिया गया। पहला टॉपिक है ऊष्मा स्थानांतरण, ठीक है, ये पहला टॉपिक हो गया, हीट ट्रांसफर जिसको बोलते हैं, हीट ट्रांसफर चालन। दूसरा है चालन संवहन एवं विकिरण को हटाया गया है, चालन संवहन विकिरण कंडक्शन कन्वेंशन और रेडिएशन, ये तीन टॉपिक हैं, इन तीनों टॉपिक को हटाया गया है। तीसरा है ऊष्मीय चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी जिसको बोलते हैं ऊष्मीय चालकता, ठीक है। और चौथा टॉपिक है न्यूटन का शीतलन नियम, कूलिंग लॉ ऑफ न्यूटन का है, ठीक है। अगला टॉपिक न्यूटन का शीतलन नियम के बाद, अब अगला यूनिट आ जाता है ऊष्मा गतिकी, यूनिट 12 ऊष्मा गतिकी, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर कहलाता है, यूनिट कहलाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये केमिस्ट्री से भी रिलेटेड होता है। इस यूनिट से देखिए क्या हटाया है, इसमें हटाया है हीट इंजन यानी ऊष्मीय ईंधन इंजन, ऊष्मीय इंजन और रेफ्रिजरेटर को हटाया है इससे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, इसी को हटा दिया, ठीक है। इसके बाद नंबर आ जाता है 13 नंबर, यूनिट 13 का अनुगति सिद्धांत। अनुगति सिद्धांत काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, इससे रिलेटेड टॉपिक है इसको पूरा का पूरा हटा दिया गया है, ठीक है, इसको पूरा का पूरा हटा दिया गया है अनुगति सिद्धांत को। और उसके बाद नंबर आता है 14, इस 14 यूनिट का है दोलन, 14 यूनिट में आता है दोलन ऑसिलेशन, ठीक है। OSCILATION ऑसिलेशंस को रखा गया है, लेकिन इसमें से कुछ टॉपिक हटाया गया है, जैसे कि स्वतंत्र दोलन, उसके बाद है मंदित और अमंदित दोलन, मंदित एवं अमंदित दोलन,
स्वतंत्र दोलन है, स्वतंत्र दोलन मंदित एवं अमंदित दोलन है। और इसके बाद नंबर आ जाता है अनुनाद, जिसको हम लोग रेसोनेंस बोलते हैं। अनुनाद को हटाया है, फिर स्प्रिंग में कंपन को, स्प्रिंग में दोलन या कंपन, स्प्रिंग में दोलन या कंपन है। इसके बाद है प्रत्यानयन बल, जिसको हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, प्रत्यानयन बल। और लास्ट है एवं बल नियतांक, बल नियतांक। इस टॉपिक को हटाया गया है। लास्ट एक यूनिट बच जाता है, 14 के बाद लास्ट एक यूनिट है, यूनिट 15। इस यूनिट को हम लोग तरंगे बोलते हैं, तरंगे यानी कि वेब्स, ठीक है। इस वेब्स से क्या क्या हटाया गया है? इससे हटाया गया है स्पंद, जिसको हम लोग विट्स बोलते हैं, स्पंद, और डॉपलर इफेक्ट, जिसको डॉपलर प्रभाव भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, जितना बचा हुआ था इसमें यूनिट 10 का ही है। यूनिट 10 का है पास्कल के नियम का उपयोग को हटाया गया, जिसमें कि हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक ब्रेक है, द्रव के दाब पर गुरुत्व का प्रभाव है। यूनिट 11 है द्रव्य के तापीय गुण, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इसमें हटाया गया ऊष्मा हस्तांतरण, हीट ट्रांसफर को हटा दिया गया, चालन संवहन विकिरण यानी कि कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन, उसमें चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी को हटाया गया है, न्यूटन का शीतलन गति, शीतलन नियम यानी कि कूलिंग लॉ ऑफ न्यूटन्स, थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इस यूनिट से हटाया गया है उसमें इंजन को यानी हीट इंजन को और रेफ्रिजरेटर को। यूनिट 13 में अनुगति सिद्धांत, इस यूनिट को पूरी तरह से हटा दिया गया है। और यूनिट 14 में है दोलन, दोलन ऑसिलेशंस, इसमें स्वतंत्र एक दोलन होता है, मंदित अमंदित दोलन होता है, अनुनाद है, स्प्रिंग में दोलन या कंपन, प्रत्यानयन बल और बल नियतांक, इस सारे टॉपिक को हटा दिया गया है। और यूनिट 15 में है तरंगे, इस तरंगे वाले चैप्टर से स्पंद को हटाया गया है, डॉपलर इफेक्ट को यानी डॉपलर प्रभाव को। बस ये सारा का सारा इसमें यूनिट पूरा का पूरा जो भी था हम बता दिए कि आप लोगों के एग्ज़ाम में आप लोगों को मदद हो, आपको पढ़ने में आसानी हो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, और ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज थे कि क्या हटाया है नहीं हटाया है, बहुत लोगों के पास सिलेबस पहुंचा नहीं है, तो मेरे पास सिलेबस मिला, तो सिलेबस स्टूडेंट के द्वारा ही मिला था, तो उस सिलेबस को मैंने जैसे ही मेरे पास आया तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया, जिससे आप लोगों का मदद हो सकेगा, आप लोगों की पढ़ाई जारी रहेगी और आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है।